नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। निवेश के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले बंटी और बबली गिरफ्तार। सोने के गहने निवेश के नाम पर लगाते थे चूना। मुंबई की बोरीवली पुलिस ने बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है, जो सोने के गहने निवेश पर अच्छे रिटर्न देने का वादा कर शहर के दर्जनों लोगों के साथ करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गए थे। पति पत्नी के इस जोड़े ने शिकायतकर्ता को 35 लाख का चूना लगाया हुआ है। बंटी और बबली को मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में एक घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिस मामले में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फिलहाल बंटी और बबली दंपति जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इनके पास से लाखों का सोना और कैश बरामद किया है। बोरीवली के पुलिस अधिकारी विजय माड़िये के अनुसार वैशाली उर्फ प्रीति जैन उर्फ पिंकी दमानिया और उनके पति जिग्नेश दमानिया ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सोने का कारोबारी बताकर लोगों से सोने के गहने निवेश करवाने के नाम पर लूट की थी, जिसके बदले अच्छी रिटर्न का वादा किया था। पुलिस ने बताया, शातिर बंटी और बबली को 26 फरवरी को दिंडोसी हाईवे से गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी दंपत्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए हर अपराध के बाद किराए का घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें अब तक 8 शिकायतें मिली हैं, जिसमें ठगी की रकम करोड़ों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। बबली उर्फ हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। नमस्कार। बोरीवली पुलिस थाने के अंदर सितंबर 2021 में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला को ऐसा बताया गया, एक हस्बैंड और वाइफ ने, कि आप यदि हमारे पास सोना इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको हर महीने में उसका ब्याज देंगे। 10 तोला सोना जमा करते हैं तो हम आपको 30,000 से ब्याज देंगे। तो इस झांचे में उनके बोल बच्चन गिरी में आके ये महिला ने उनके साथ अपना 4,20,000 का जो प्रॉपर्टी है, सोने के ज्वेलरी है, वो उनके पास दे दी और वो उनका इंतज़ार करती बैठी कि मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब जाके ये महिला पुलिस स्टेशन में आ गई। उनके तकरार के ऊपर से बोरीवली पुलिस थाने में 1052/21/420/34 और MP ID ये कानून के हिसाब से उनके खिलाफ गुना दाखिल किया। बोरीवली पुलिस थाने ने इनका हर एक जगह पे ये दोनों का सर्च किया, लेकिन कहीं पे मिल नहीं रही थी। 25 फरवरी 2022 को हमारे सीनियर इंस्पेक्टर श्री नीना सावंत सर, उनको खबर मिली कि मीरा रोड से ये जो दाम्पत्य है वो भागने की कोशिश में है। सर ने मुझे बुला के बोले कि हमें इन्हें किसी भी हालत में अरेस्ट करना है। हमने हमारी टीम, जो कि निर्भया पथक की महिला पुलिस उपनिरीक्षक माया गावड़े, बाद में हमारे दो अधिकारी है अरुण सावंत और गणेश शिवरकर, और उनकी टीम फॉर्म करके हम लोग उनको तुरंत यहाँ से बोरीवली पुलिस स्टेशन से रवाना किया। जब तक हमें पता चला कि ये महिला मीरा रोड से अपना घर छोड़ के ऑटो रिक्शा में बैठ के दहिसर चेकनाका क्रॉस करके कांदोली तक पहुंचने की कोशिश में, हमारे टीम ने तुरंत ऑटो रिक्शा लेके उनका पीछा करना शुरू किया। इन बिटवीन ये जो दाम्पत्य है ये गोरेगांव तक पहुंचे। हमारे अधिकारियों ने उन्हें हाथ से रिक्शा रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग रिक्शा रोक नहीं रहे थे। हमारे पथक ने फिर थोड़ा रिक्शा से ब्रिज उतरने के बाद उन लोगों को थोड़ा रिक्शा उनका साइड में, अपना रिक्शा आगे डाल के, अपने जान पे खेल के अपना रिक्शा आगे डाल के उनको साइड में करवाया, उनका आइडेंटिटी किया और उनको पुलिस स्टेशन में लाके उनको अरेस्ट किया। ये जो महिला है उसका नाम है प्रीति जैन उर्फ पिंकी, इसका सच नाम है वैशाली जिग्नेश दमानिया और इसके हस्बैंड का नाम है जिग्नेश जयंतीलाल दमानिया। इन्होंने मुंबई और परिसर में ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा है। हमारे पास ऐसे 4 जन के तकरार आई है, जो तकरार हमने इस गुन्हे में दाखिल की है।
ऐसे इनके खिलाफ मलबार हिल और आजू बाजू के परिसर में तकरार दाखिल है। हमारी जो प्रॉपर्टी चोरी हुई है, जो प्रॉपर्टी गई है 4,20,000 और ज़्यादा, तो उसमें से हमने एक 20-25% प्रॉपर्टी उनसे रिकवर की है, क्योंकि ये लोग जो पैसा आते था वो पैसा ये लोग अपना मौज मजा में उड़ाते थे। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, ये दोनों क्या बोल? हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।